हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गाइड अनिल सर। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, दिस इज अनिल, अनिल पवार बिफोर यू। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक बड़ा ही यूनिक स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ आपके लिए। क्या है वो देखते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हम सेंटेंस बोलते हैं की तरफ से या की ओर से, इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आइए हम आज के इसके वीडियो में देखते हैं। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर ओन बिहाफ ऑफ एंड इन बिहाफ ऑफ, दो स्ट्रक्चर लिखे हैं हमारे पास। एक ही वीडियो में हम दो यूज़ सीखने वाले हैं, दो स्ट्रक्चर के यूज़ सीखने वाले हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसकी हिंदी क्या होती है। ओन बिहाफ ऑफ, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, की तरफ से, की तरफ से। नेक्स्ट क्या लिखा है, इन बिहाफ ऑफ। देखिए, ओन बिहाफ ऑफ तो आपने हो सकता है सुना हो, कई बार बोला भी होगा, बट इन बिहाफ ऑफ बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं, दोनों में अंतर देखेंगे, ओन बिहाफ ऑफ एंड इन बिहाफ ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, इन बिहाफ ऑफ की हिंदी होगी की भलाई के लिए, की भलाई के लिए, या के फायदे के लिए, इस प्रकार से इसकी हिंदी हम यूज़ करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से और बेटर समझ पाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हमें सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस जो भी सेंटेंस रहेगा उसके बाद में ऑन बिहाफ ऑफ या इन बिहाफ ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग रखेंगे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट लिखे हैं। अगर लिविंग ऑब्जेक्ट आते हैं जैसे यू, मी, हिम, हर, या फिर नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल पर आते हैं डायरेक्टली विदाउट डिले। सेंटेंस है, मेरे भाई की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कई बार होता है गलती भाई कर देता है, भाई का झगड़ा हो जाता है, वो माफ़ी नहीं मांग रहा है, हम इस प्रकार से बोल देते हैं, मेरे भाई की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे हम, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज। पहले हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, मैं माफ़ी मांगता हूँ, की तरफ से के लिए हम यूज़ करेंगे ओन बिहाफ ऑफ, ओन बिहाफ ऑफ, किसकी तरफ से, भाई की तरफ से, माई ब्रदर। सेंटेंस क्या बना फ्रेंड्स, आई अपोलोजाइज ओन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, मैं मेरे परिवार की ओर से आपका स्वागत करना चाहूँगा, मतलब परिवार यहाँ पर नहीं है लेकिन परिवार की तरफ से मैं स्वागत करना चाहूँगा, मतलब परिवार ही कर रहा है, उसकी तरफ से मैं कर रहा हूँ, परिवार यहाँ पर नहीं है। तो कैसे बनाएंगे हम, मैं मेरे परिवार की ओर से आपका स्वागत करना चाहूँगा, करना चाहूँगा के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू। स्वागत के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे वेलकम, आपका स्वागत यू, आई वुड लाइक टू वेलकम यू, की ओर से या की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। सेंटेंस क्या बनेगा, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैं विद्यार्थियों की भलाई के लिए वीडियो बनाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज YouTube पर जो वीडियो बनाते हैं, हम पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं, आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो सेंटेंस है, मैं विद्यार्थियों की भलाई के लिए वीडियो बनाता हूँ। देखिए, पहले बनाता हूँ, इसको ट्रांसलेट करते हैं, आई मेक द वीडियो, भलाई के लिए या फायदे के लिए हम यूज करेंगे इन बिहाफ ऑफ, इन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि ओन बिहाफ ऑफ और इन बिहाफ ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, सेंटेंस लिखा भी हुआ, विद्यार्थियों के लिए भलाई के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप भी दूसरे की भलाई हो सके, दूसरे स्टूडेंट देख सकें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।